प्रियंका गांधी पर बीजेपी नेताओं के अप्रिय प्रहार जारी हैं। अब यूपी से बीजेपी के एक विधायक ने प्रियंका गांधी को शूर्म रखा और राहुल गांधी को रावण कह दिया। ये वही विधायक हैं जिनकी जुबान पहले भी बेलगाम होती रही है और मायावती पर भी ये बदजुबानी कर चुके हैं। आप जानते हैं कि राम और रावण का युद्ध जब होने वाला था लंका विजय पर भी, तो पहले रावण अपनी बहन को भेजा था, किसको, सुपर्णखा को। तो लगता है कि जो है राहुल भी रावण के रोल में होगा और राम। ये है बीजेपी के स्वनाम धन्य विधायक सुरेंद्र सिंह। जी हाँ, नाम तो सुरेंद्र है लेकिन सुर जहरीला है। प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी की कमान मिलने पर यूपी के बैरिया से विधायक सुरेंद्र सिंह जी को इतनी बेचैनी हो गई कि वो अनाप शराप बोलने लगे। आप जानते हैं कि राम और रावण का युद्ध जब होने वाला था लंका विजय पर भी, तो पहले रावण अपनी बहन को भेजा था, किसको, सुपर्णखा को। तो लगता है कि जो है राहुल भी रावण के रोल में होगा और राम के रूप में। तो मोदी भारत में जो है दुनिया का पताका फहरा ही रहे हैं। राम की भूमिका में मेरा मोदी है और रावण की भूमिका में जो है नायक के रूप में राहुल है, और राहुल जो है वह रावण के अपनी बहन को सुपर्णखा को फिर जो है उतारा है। मान के चलिएगा कि जो है लंका विजय हो गया और रावण की भूमिका में जो है नायक के रूप में राहुल है। तो सुना आपने, सुरेंद्र सिंह ने भाषाई मर्यादा को मटिया मेट करते हुए कैसे राहुल को रावण, बहन को भेजा, जैसे सुपर्णखा को रावण भेजा था तो प्रियंका को डंका बजाने के लिए भेज दिया राहुल ने और प्रियंका को सुपर्णखा बता दिया। विधायक सुरेंद्र सिंह उठपटांग बयान देने के आदति रहे हैं। आज उन्होंने अपनी इसी कला का फिर से भरपूर प्रदर्शन किया। भाई गजब तमाशा है देश का, मानिए प्रजातंत्र है कौन, या तो महासचिव कौन बहन बनेगी, अब इसका और भी कोई नाती पोता हो रावण बहनोई को बना लीजिए, अभी एक को क्यों कमजोर करेंगे। तो अब बहन आ गई, उसके बाद बहनोई को उतारेंगे। रावण बाड्रा गांधी, एक गांधी का टाइटल ऐसे टोपी मिल गया है कि सब लोग लगा लेंगे तो गांधी जी हो गए। अरे बोटी और बोतल की जीवन जिंदगी जीने वाले लोग, बोटी और बोतल की जिंदगी जीने वाले लोग, होटल और बोतल में निवास करने वाले लोग भारतीय संस्कार की रक्षा नहीं कर सकते। जाहिर है विधायक सुरेंद्र सिंह का यह बयान कुंभ में डुबकी लगाने वाले योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार और उनकी पार्टी यानी बीजेपी के लिए किरकिरी करने वाला है। वैसे सुरेंद्र सिंह ने यह सब क्यों कहा है ये भी समझ लीजिए। प्रियंका को डंका बजाने के लिए भेज दिया राहुल ने, अरे इसका मतलब अपनी अयोग्यता तो पहले ही प्रमाणित कर दिया कि हमारे बस का मोदी से लड़ना नहीं है। तो भाई बहन मिलकर के लड़ेंगे तो भाई बहन क्या लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा। मोदी के चरित्र और ईमान के सामने भारत की राजनीति ही नहीं, भारत की जनता ही नहीं, दुनिया की जनता जो एक बार सम्मान देना प्रारंभ कर दिए मेरे भाइयों, तो अब भारत का सौभाग्य है कि मोदी जैसा नेता भारत की धरती पर पैदा हुआ है। इसलिए संदेह की बात मत समझिए, मोदी जी फिर जो है 2019 के हमारे सितारे हिंद हैं। तो सुरेंद्र सिंह की कोशिश तो मोदी वंदना करने की थी, लेकिन इसके लिए रास्ता उन्होंने प्रियंका पर कीचड़ उछालने वाला चुना। बीजेपी की नेता वही गलती कर रहे हैं जो 2014 में मणिशंकर अय्यर ने की, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को चाय वाला कह दिया। बीजेपी के लिए ऐसे बयान आत्मघाती साबित हो सकते हैं। अनिल अकेला, बलिया, आज तक। प्रियंका पर बदजुबानी, 2019 चुनाव की यही कहानी। जरा सुनिए बिगड़े बोल और जवाब बड़े तोल मोल। तो जब से श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री राजनीति में हुई है, भारतीय जनता पार्टी के इस शब्दों से स्पष्ट साबित होता है कि कितना मानसिक दिवालियापन बढ़ता जा रहा है। खिस्यानपट और बौखलाहट छुपाई नहीं छिप रही है, और बार बार उनकी तुलना ऐसे लोगों से करना, सूपनखा बोल देना, रावण बता देना, मैं मानती हूं कि कहीं ना कहीं इनकी जो हार है 2019 में उसके संकेत देते हुए ये शब्द सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, घटिया बयानबाजी नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ करते हैं, तो उन्हीं के इशारे पर, उन्हीं की प्रेरणा से अगर उनके विधायक इस तरह का खटिया अमर्यादित बयान दे रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव देव ने फिर से एक नया ज्ञान दिया है। इस दफा उन्होंने प्रियंका से लेकर गठबंधन और ममता सरकार पर जुबानी तीर दागे। देखिए खास मुलाकात। बंगाल में आखिरकार ऐसा क्या है कि सारे भाजपा के नेता आ रहे हैं और इतना वायलेंस हो रहा है उसके बाद? आज बंगाल नंबर 1 क्यों नहीं है, उसके लिए हम लोग आए हैं। और बंगाल में जो रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे जो सर्वश्रेष्ठ देश बने, तो बंगाल के छोड़ के नहीं हो सकता है।
सबके मन में यही था, जो हमारा जो स्वामी विवेकानंद ने जो बंगाल देखा था वही बंगाल वो बनाएगी, माँ माटी मानुष के बाद बोले है, और बाद में अभी सिंडिकेट राज शुरू कर दिया। उस सिंडिकेट राज से मुक्त कराने के लिए हम लोग सब आए हैं बंगाल के लोगों को साथ देने के लिए। 19 जनवरी 2019 को महागठबंधन की रैली हुई है, क्या ये नया सिरदर्द है बीजेपी के लिए जो सारा फोकस यहाँ आ गया? 2019 के निर्वाचन में जनता के सामने हो जाना चाहिए, इस पार नहीं तो उस पार, और ये महाभारत का शेष लड़ाई है। इस लड़ाई में एक तरफ कौरव रहेगा, एक तरफ पांडव रहेगा, माने एक तरफ सच रहेगा एक तरफ झूठ रहेगा। और देखिए संख्या बल में इलेक्शन जीता जाता है, नेताओं के संख्या बल में स्टेज में, ऐसा होती तो नरेंद्र भाई मोदी 125 करोड़ जनता का विश्वास लेके 2014 में प्रधानमंत्री नहीं बनते। 2019 के निर्वाचन में दीदी को इस रैली के जवाब मिल जाएगी।